खबर रीवा जिले से है, जहां गगेव जनपद और संपूर्ण रीवा की अधिकतर राशन की दुकानों में सर्वर और देरी से खाद्यान्न सप्लाई की समस्या के कारण खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। जिले की अधिकतर शासकीय राशन की दुकानों में देरी से खाद्यान्न पहुंचने के कारण अब सर्वर की समस्या सामने आ रही है। पुराने वर्ष से नए वर्ष 2023 में पदार्पण के साथ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और सर्वर से संबंधित तकनीकी अधिकारी इतने मशगूल हैं कि उन्हें आम गरीब जनता की समस्या नहीं दिख रही है। जाहिर है, हैदराबाद और बेंगलुरु से संचालित होने वाले इन तकनीकी सर्वरों में नए वर्ष 2023 की छुट्टियों के कारण आम जनता को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और गरीब व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित हो रहा है। एक तरफ जहां सरकारी अधिकारी और शासन, सत्ता में बैठे लोग नए वर्ष की छुट्टियों और पिकनिक में मस्त हैं, वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आम जनता एक एक दाने के लिए मोहताज हो रही है। यह मामला गगेव जनपद और रीवा जिले का है, जहां सर्वर की समस्या के चलते गरीब जनता को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन नहीं मिल पा रहा है। बताया गया कि दिसंबर माह में शासकीय राशन की दुकानों में 27 दिसंबर के उपरांत खाद्यान्नों की लेट डिलीवरी की गई। लेट लतीफी के चलते और सर्वर की समस्या से गरीब जनता को खाद्यान्न मिलने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी को दी, जिसके बाद मामले की जानकारी खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, फूड इंस्पेक्टर, फूड कंट्रोलर, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को दी जा चुकी है। जब नहीं लगे किया मैं आ यार। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूड विभाग का सर्वर काम नहीं कर रहा है। हम आज सिधा ग्राम पंचायत में हैं, जनपद पंचायत गंगेव में, और पिछले 2-3 दिन से यही हालत है। यहाँ पर खाद्यान्न बहुत लेट डिलीवर हुआ है 27 दिसंबर को, और अब दिसंबर पूर्ण होने वाला है। लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं, और फूड इंस्पेक्टर से भी इस विषय में बात हुई तो उन्होंने सर्वर की समस्या बताई है। लेकिन ये सर्वर हमेशा यदि दिक्कत करेगा तो लोगों को खाद्यान्न कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 27 दिसंबर को खाद्यान्न यहाँ पर गिरा हुआ है। देखिए किस तरह से एरर मैसेज आ रहा है। और क्या मैसेज आया, कृपया बायां अंगूठा और दायां अंगूठा स्कैनर पर एक के बाद एक उंगली रखें। कोई इसमें देखिए कि किस तरह से कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सर्वर यहां पर काम नहीं कर रहा है। ये दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं यहां पर। आज ये 31 दिसंबर की तिथि में ये स्थिति है और ये इनका रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर में आप देख सकते हैं कि टोटल अभी तक वितरण जो है मात्र 14 लोगों का हो पाया है पिछले 4-5 दिन में। ये सर्वर की दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? किस ग्राम पंचायत से हैं? गंगेव जनपद का है, रीवा। क्या समस्या जा रही है? समस्या तो है, टोटल वाली है, सर्वर नहीं मिल रहा है, परेशानी है, सर्वर नहीं मिलता है, इसलिए खाद्यान्न आपको नहीं मिल पाया। क्या नाम है? राम भोल। कहाँ से हैं? नेवरिया के, सिधा पंचायत गंगेव जनपद रीवा। जी हाँ। क्या समस्या आज है? ये सर्वर नहीं आ रहा, इसीलिए गल्ला खाद्यान्न जो है वो नहीं मिल रहा। कितने दिन आ चुके हैं? अरे यार, दो तीन चार दिन से हो गया। 3-4 रोज से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज शुक्ला। कहाँ से हैं? नेवरिया। क्या दिक्कत हो रही है? सर्वर तो खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। जी अच्छा, इसकी शिकायत सर्वर की फूड इंस्पेक्टर से की है आप? जी नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुमन। कहाँ से हैं? लोहरा। ये सिधा पंचायत गंगेव जनपद। लोहरा। हाँ, तो क्या समस्या है? सर्वर नहीं है तो खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? राम निवास त्रिपाठी। ये खाद्यान्न में आज क्या दिक्कत आ रही है 2-3 दिन से? सर्वर नहीं है, सर्वर होने के कारण थोड़ा परेशानी हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका? राम निवास। यहाँ खाद्यान्न में क्या दिक्कत आ रही है? सर्वर नहीं मिल पा रहा है। कितने दिन से सर्वर की दिक्कत हो रही है? हम तो आज अंत कह के नहीं आ वाला। क्या नाम है आपका? ओके। सिधा पंचायत से हैं? नहीं। हाँ, सिधा पंचायत से। ये सर्वर की क्या दिक्कत आ रही है खाद्यान्न के लिए? सर्वर ये समय नहीं आ रहा है, बहुत कम लग रहा है। अच्छा, इसलिए खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? चंद्रभा। किस पंचायत से हैं?
इससे भी ले सकते हैं, दूसरी पंचायत से भी। तो यहाँ सर्वर आज नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है सर्वर की? सर्वर नहीं, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।